ये सोच उन सब में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे यही ड्रेस पर ऐसे जोड़ के पूरा बनाया है मेरी मम्मी ने सिमरन ने। बाल काटने पड़ेंगे नहीं ढूंढने का। गाइस मेरे बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाओ, ये देखो हैप्पी सैड इन्हें एक फीमेल सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूंगी ये पूरा आउटफिट। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे साथ एक नया नन्ना सा मेहमान है आज। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो आज हम शूट करेंगे ओम शांति ओम का लुक। तो बहुत डिले हो गया इस लुक को, सब कुछ रेडी था पूरे डेढ़ महीने से, पर अभी करी तो चलो। दो दिन से इतनी बारिश हो रही थी और अब देख के लग रहा है कि बारिश का मौसम है। तो ये सिंपल मैगी हम बनाएंगे डिट्टो के लिए, बिना मिर्ची बिना नमक कुछ भी। और हमारे लिए जो मैगी बनेगी वो एकदम तड़कती बड़कती रहेगी, उसमें होगा प्याज टमाटर मिर्ची, फिर उसको हम अच्छे से पकाएंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर मैगी डालेंगे, फिर मसाला डालेंगे, फिर थोड़ा सा मक्खन और धनिया डालेंगे और खाएंगे। और चाय? हाँ चाय भी बन रही है, चाय भी बन रही है। मैगी खाने के बाद हम मेकअप करेंगे। खाने के बाद आपको भी ऐसे आलस आता होगा ना, इसलिए मुझे भी आ रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करें फिर करेंगे। अरे जल्दी चलो ब्रेकअप करो, सॉरी मेकअप करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आईब्रोज जो है वो एकदम पॉइंटेड है और पतली है, तो मेरी आईब्रोज पतली नहीं है और पॉइंटेड भी नहीं है। तो हम लोग फेवी स्टिक लगा के दोबारा से नया आईब्रो रिक्रिएट कर सकते हैं, पर आसिया ने सोचा कि हम वो नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगा तो फिर वैसा हो जाएगा, तो हम वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ना एक साइड से अलग लगती हूँ और दूसरे साइड से अलग लगती हूँ। आपको भी होता है क्या? देखो दिखाओ, आप मुझे बताओ। हाँ है ना, आप एक साइड से इंसान एक साइड से भूत दिखती हो। अब यहाँ चल रहा है आंखों के पलकों का कार्यक्रम। अब इनकी जो आंखें हैं उन आंखों के ऊपर दो पर्दे आएंगे, वो पर्दे काले काले से होते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं कमल भाई और इब्राहिम भाई और आयान भाई और आरुष भाई और मुस्कान भाई भी आ चुके हैं। तो फाइनली हमारा मेकअप हो गया है। अब मेकअप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सॉरी लग गई क्या? नहीं पक्का? नहीं लगी। लगी नहीं, मजा आया। चाय पिएगा? हाँ। मेकअप हो गया है, मेकअप होने के बाद। अरे पापा बोलने दो, बाय। फिर से धक्का देके जाऊंगा। मजा नहीं आ रहा है। हाँ अब बोलो। अंदर से कुछ आवाज आ रही है, पता है क्या? प्लीज मुझे निकालो, मैं पिछले डेढ़ महीने से फंस चुकी हूँ अंदर। प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज आखिर मुझे पैर ही लो, प्लीज। अच्छा रुको। फाइनली डेढ़ महीने के बाद, आउच यार फिर लग गई। मेरा ड्रेस रेडी है तो हम इसको पहनते हैं। चलो हम नहीं, आप पहनोगे। हाँ सॉरी। ये सब के पीछे का जो स्ट्रगल है मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। आज तक मैंने जितने भी लुक रिक्रिएशन किए हैं उन सब में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे यही ड्रेस में पड़ा है। हमने कहीं से खरीदा नहीं है, हमने अलग अलग जगह से लेके मैनेज करके कुछ ना कुछ किया। मैं बताती हूँ कैसे। तो ये जो लहंगा है इसपे ये जो पैचेस हमने चिपकाए अलग से, ये हमने नॉन लेदर पूरा इसमें चिपकाया है ग्लू से, और इसपे जो छोटी छोटी मोतियां है वो भी हमने ग्लू से चिपकाई है। अब सेम चीज हम ब्लाउज पे नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगे उन्होंने दिए, 350-400 का ऐसा एक दिया उन्होंने, तो हम इसपे भी करते तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता। तो मेरी कजिन शैली, उसको कढ़ाई का काम आता है, तो उसने पूरा इसपे आगे और पीछे पूरा मेहनत करके पूरा कढ़ाई का काम किया है इसपे, और ब्लाउज इस हाथ पे भी मोतियां हमने चिपकाई है। सेम दुपट्टा इसका बहुत ही सिंपल है, उसपे भी बस मोतियां चिपकाई है। तो ड्रेस हमने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। और अब आगे ज्वेलरी की बारी। तो जो ज्वेलरी मैंने सेम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या तो तुम्हें बनवाना पड़ेगा, कोई एक पीस बना के नहीं देते। तो हमने क्या किया, ये एक एक पीस को हमने अलग अलग से जोड़ के पूरा बनाया है मेरी मम्मी ने सिमरन ने। तो अगर आपको, आप देख रहे हो कि मतलब दम से चिपकाया है एक एक पीस, और ये जो इयररिंग भी है इसके पीछे का है नहीं क्योंकि ये भी हमने बनाया है चिपका के। अभी देखते हैं हम कुछ मैनेज करके डालेंगे इसको कान में। तो बस ये स्ट्रगल के साथ ये पूरा आउटफिट हुआ है। और हाँ एक चीज और तो मैं बताना ही भूल गई, हमने सब कुछ रेडी कर लिया, ज्वेलरी कपड़े। अब बाल पे भी उन्होंने कुछ पहना था और आज हम ये शूट कर रहे,
तो आसिया ने उसमें हमारी हेल्प करी, आसिया ने हमको लाके दिया ये वो ऐसा वैसा, तो थोड़ा बहुत मैनेज हो गया। तो ये है और बताते, और ये है अगर आप देखोगे उन्होंने सर में जो लगाया है तो ये आसिया की हेल्प से हमें मिल गया। तो अगर हमारा दिल साफ होता है, सब नियत अच्छी होती है तो ऊपर वाला हमारा हर वक्त साथ देते हैं। एंड मोमेंट पे लटकन बाकी रह गए थे तो जो मेरा प्यारा सा भाई है ना वो मेरे लिए लटकन लगा तो हेयर स्टाइल ये है और ये ऐसा छोटी सी लट आ रही है तो आसिया ने कहा है बाल काटने पड़ेंगे तो थोड़े से बाल चॉप कर देंगे। सच में पूरे 5 घंटे लगा दिए आसिया ने मेकअप में और हेयर में। ऐसे कोई करता है क्या? हाँ मेकअप वाले पीछे से आसिया तुम्हारे पास इतनी सारी मुझे बस थोड़ी सी देके जाओगी क्या? कोई तरीका है भीख मांगने का? फाइनली मेरा लुक रेडी है और 1, 2, 3 कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर। अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई हूँ, बस एक चीज की कमी है जो कि है परफ्यूम। तो मैं परफ्यूम भी लगा लेती हूँ। परफ्यूम लगाने से पहले मैं आपको ग्लिंट यू के स्किन लाइटनिंग रेंज से मिलवा देती हूँ। तो ये है ग्लिंट यू का बॉडी व्हाइटनिंग सीरम जिसे हमें नहाने के आधा पौना घंटा पहले हमारे बॉडी पे लगाना है एवरी डे। और ये ग्लिंट यू का स्किन व्हाइटनिंग सोप है जिससे हमें नहाना है। और ये ग्लिंट यू का स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है जो हमें रात को यूज करना है, पर हमें इसको मसाज नहीं करना है, हमें इसको नॉर्मली स्किन पे लगाना है और सो जाना है। आपको इसका 7 डेज में रिजल्ट मिलेगा। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है रीस्टोर फॉर थिन हेयर। आप इसको 3 महीना डेली यूज करोगे तो आपके बाल टूटना कम हो जाएंगे, आपके बालों का वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा और आपके बाल हमेशा हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो बाकी सब तो जरूर ट्राई करना बट ये बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसका एक स्किन व्हाइटनिंग ड्रिंक भी आता है पर अभी उनके पास भी स्टॉक खत्म हो गया है और मेरे पास भी है नहीं, तो जब स्टॉक में आएगा तो मैं खरीदूंगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है, लिंक भी दी हुई है, आप लिंक से डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। और लिंक पे जाके एकदम नीचे जाओगे तो उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे भी उनसे कनेक्ट कर सकते हो। नहीं नहीं कुछ नहीं किया। क्या करूंगा, मस्त चल रही थी दीदी। अच्छा चल रही थी मैं तो अब मैं फोटो शूट करवाऊंगी और पहले थोड़े पिक्चर्स क्लिक करूंगी, डायलॉग्स, रील्स और उसके बाद चलो देखते हैं। आती हो क्या? नहीं मैंने आपको देखा इंस्टा पे। अच्छा तो ये है पहला पोज और मुस्कान दी पहला पोज देख रही है। ये पहला पोज देखते हुए हमारा ये हाथ थोड़ा और अंदर, ये जो कोनी है ना। सेकेंड पोज इब्राहिम ने सजेस्ट किया है कुछ, वो हाथ में कलाई से दुपट्टा निकालती है। हाँ तुम हमेशा मुझे गलत बोलते हो, वो कलाई में कुछ बांध नहीं रही थी, उसका दुपट्टा अटक जाता है वो निकालती तो वही बोल रहा हूँ दुपट्टा नहीं। आपकी हाइट के हिसाब से ये इसका आँख नीचे है ना थोड़ा। आरुष तू तब तक एक काम करेगा, नहीं क्या वो एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले। कौन सा प्रोफाइल? ठीक है नहीं यार। मुस्कान दी ओ तेरे क्या ताकत है यार। तो गाइस देखो मुस्कान दी कितना टाइम पास कर रही है, देख रहे हो दोनों बहन को देख रहे हो। और गाइस आपको पता है सिमरन दीदी का पैर जल गया था, ये देखो ये देखो सिमरन दीदी ने नया टैटू लिया। कितने रुपए का? बहन का मजाक उड़ा रहा है, पूरे 2 लाख रुपए का टैटू। मजाक कैसे उड़ता है इससे था? चलो एक्शन। हां हाथ ये नैनो से उतरते हुए दीपिका मेरी सीधी दी मेरी
कुछ भी कैसा ही ना मालूम, जब जब दीपिका आएगी तब तब के सीन में शाहरुख भाई साथ हो के शाहरुख भाई को काट दे। बहुत खुश नसीब है तो अब मैं रील शूट करने जा रही हूँ, फोटोज हो गए सब हो गया, अब मैं रील शूट कर लेती हूँ। और पहला ये डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ओ भाई मारो मुझे मारो। तो मेरा एक रील बन चुका है एक चुटकी सिंदूर वाला, दूसरा रील है नाउ वी प्रेजेंट टू यू शांति प्रिया फ्रेंड्स। मुस्कान शर्मा बोल रहा ना, प्रेजेंटिंग तो हमारी दीपिका जी अभी खाना खा रही हैं फुर्सत में। भूख लगती है कि नहीं? इंसान हो खाओ कि नहीं? इंसान हो हाँ। तुझे क्या लगा जानवर हूँ? नहीं, यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मेरा भाई भी खाना खा रहा है। तो गाइस अभी हम ले रहे हैं एक ट्रांजेक्शन वीडियो, एक टेक हम कर लेंगे क्योंकि वो गंदे कपड़े में हाँ। जैसे रिया मुस्कान दी रियल में रहती। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू नहीं सुधरेगा। अभी ये थर्ड टेक है, इनमें इनको दुपट्टे को उड़ाना है। तो ये बाल को मैनेज करने के लिए इतनी सारी पिंस मैंने सर पे रखी थी 12 घंटे से, अब थोड़ा हल्का लग रहा है सर। हरीश भाई हाँ, कैसे हो भाई? चलो आंसू आ गए, चलो 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 क्या चीज गवा दी है तुमने, ये सोच के सो ना पाओगे गारंटी के साथ। बहुत महंगा रहने दो। ये है हमारा लास्ट रील्स, इसमें मुस्कान दी मतलब उनका फोटो है उनके बॉयफ्रेंड का, मतलब जो भी हो उसको जला के उनको फेंकना है क्योंकि उनको छोड़ के चले गए, ऐसा सीन दिखाया है। गाइस मेरे बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाओ, ये देखो। तो ये लाइट में ऐसी खासियत बताई है हमें कमल जी ने कि अगर हम सब शांत रहेंगे आवाज नहीं रहेगी तो ये लाइट बंद हो जाएगी, तो ट्राई करते हैं। हैप्पी सैड मुस्कान ना रो दी तू ना नहीं रोने का। अरे आप लोग ब्लॉग को लाइक करो, रो रही है देखो। अरे रोने वाला है तो बाबा फाइनली हो गया। रात के कितने बजे पता है? 2:30 बज रहे रात के और मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू है। क्या लिख के आते क्या? और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं, रो रही है देखो। नहीं रो रही, अरे उसलिए नहीं रो रही बाबा। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करना। और मैं हफ्ते में 2-3 वीडियोस डालती हूँ बहुत ही मजेदार, अगर आप मेरा चैनल देखो अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हो तो। ये जो आउटफिट है इसको मैं ऑब्वियसली अच्छे से ड्राई क्लीन करवा के मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर को गिफ्ट करूंगी ये पूरा आउटफिट। ये सिमरन दीदी रेडी रहना, मजाक कर रहा हूँ।